महसूस, बहुत खुश हूँ कि इंसान एक सपना देखता है एक फिल्म बनाने का, वो आज पूरा होने की कगार पर है, क्योंकि आज म्यूज़िक रिलीज़ है, ट्रेलर रिलीज़ है और कुछ दिनों के बाद फिल्म रिलीज़ होगी, तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ये पंजाब की एक बड़ी फेमस लव स्टोरी है, जैसे लैला मजनू, शिरी फरहाद, सोनी महिवाल की कहानी है, ऐसे ही मिर्ज़ा साहिबा की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इतने सालों में आई एम रियली सरप्राइज के बॉलीवुड में किसी डायरेक्टर ने इसको टच किया नहीं, जबकि ये कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो अब ये मैं बनाई है फिल्म, जो मिर्ज़ा साहिब की बात करें तो इसी कहानी पर आने वाले का लड़का भी डेब्यू करता है जी, इसी सेम कहानी है जी। क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बिकॉज इट्स अ फोक स्टोरी, कोई भी बना सकता है फिल्म उसके ऊपर। सो मैंने भी बनाई है, उन लोगों ने भी बनाई है, सो मेरी तरफ से उनको भी शुभकामनाएं हैं कि उनकी फिल्म अच्छी चले। अगर स्टार कास्ट की बात करें तो मेरे जो मेन लीड हैं सूर्यांश और सानवी, दोनों न्यू कमर हैं, पहली फिल्म है ये उनकी। बाकी फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट के अंदर कबीर बेदी जी हैं, रंजीत जी हैं, फरीदा जलाल हैं, स्पेशल अपेयरेंस में रवि किशन हैं, दीपशिका, अमित बहल, करतार चीमा, राजू पंडित, म्यूजिक इज़ बाय मीत ब्रदर्स अंजन, लिरिक्स बाय कुमार, कोरियोग्राफर इज़ रेमो डिसूज़ा। सो कुल मिला के ये सब बिकॉज जाहिर सी बात है क्योंकि एक लव स्टोरी है, तो लव स्टोरी में रोमांटिक और एक अच्छे म्यूज़िक का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी ऑडियंस का इंटरेस्ट, एक यंगर जनरेशन का इंटरेस्ट होता है कि एक लव स्टोरी है तो उसमें खास म्यूज़िक में क्या है। तो मीत ब्रदर्स अंजन ने बड़ी मेहनत से बहुत अच्छा म्यूज़िक तैयार किया है और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें चार गाने हैं फिल्म के अंदर और चारों डिफरेंट जॉनर के सॉन्ग्स हैं। एक रोमांटिक सॉन्ग है, एक सैड सॉन्ग है, एक पार्टी सॉन्ग है और एक सूफी सॉन्ग है। तो हर तरह का मसाला है फिल्म के म्यूज़िक के अंदर भी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सब बिल्कुल बिल्कुल पंजाबी तड़का दिखेगा, आपको फ्लेवर मिलेगा इसके अंदर। हेमंत जी, बहुत लंबी जर्नी रही आपकी, काफ़ी सालों से बालाजी से जुड़े हुए, तो कितना क्यों इतना समय क्यों लगाया इसे आने? देखिए, फिल्म की राह इतनी आसान नहीं होती है, ये हम सबको मालूम है और मुझे भी वक्त लगा। हर इंसान जब आता है इंडस्ट्री के अंदर तो उसको लगता है कि ही इज़ परफेक्ट, बट परफेक्शन हासिल करने के लिए वक्त लगता है। और मेरे साथ भी शायद यही हुआ, जब मैं आया मुझे लगा था कि मैं शायद 100% हूँ, बट ग्रेजुअली जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे लगा मुझ में बहुत सारी कमियाँ हैं जिनको मुझे सीखना है, पूरा करना है। और वो सब करने के बाद में देन ऑफकोर्स इट टुक सम टाइम कि नए डायरेक्टर को चांस जल्दी से मिलता नहीं है, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो इसलिए शायद मुझे वक्त लगा इतना। बहुत जल्द 30 सितंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है पूरे भारतवर्ष के अंदर, और मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि प्लीज़ सिनेमाघर में जाकर इस फिल्म को देखिए, सराहिए, अपना प्यार बांटिए हमें, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने इस फिल्म को बनाया है और एक अच्छी फिल्म बनाई है, पारिवारिक फिल्म है और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब इसको पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।